आपके मंगल सूत्र और भैंस से आगे बढ़कर आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब इंडिया वाले आएंगे तो वो आपके बैंक के खाते बंद करके आपका पैसा ले लेंगे। वो कह रहे हैं कि जब इंडिया वाले आएंगे तो वो बिजली कनेक्शन कटाकर अंधेरा कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जब इंडिया वाले आएंगे तो वो आपके नल की टोटी हटा देंगे। ये क्या हो गया है मोदी जी को? और यकीन जानिए, मुझे मोदी जी की वाकई चिंता होने लगी है, क्योंकि ये हार की हताशा से बहुत आगे बढ़ चुकी हुई समस्या है। समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि वो अगली बात क्या कहेंगे। क्या वो कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच ले लेंगे, जब इंडिया वाले आएंगे तो आपके बच्चे बाहर खेलने जाएंगे तो उनका बैट चुरा लेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो मटर पनीर की सब्जी में से पनीर ले जाएंगे? क्या वो अगली बात ये कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे और कपड़े सूख रहे होंगे तो शर्ट उठा के भाग जाएंगे? क्या वो शायद ये भी कह सकते हैं कि जब इंडिया वाले आएंगे तो घर के बाहर पड़ा हुआ दूध का पैकेट और अखबार लेकर चले जाएंगे? अब क्या नरेंद्र मोदी जी अगली बात ये कहेंगे कि जब इंडिया वाले आएंगे तो मंदिर के बाहर की चप्पल ले जाएंगे या गाड़ी में पाइप लगाकर पेट्रोल चोरी कर लेंगे? ये हो क्या गया है मोदी जी को? मुझे नहीं पता कि ये उम्र का तकाजा है या दिमागी दिवालियापन है, लेकिन जो भी है, एक बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी भी अंततोगत्वा ये स्वीकार रहे हैं कि इंडिया वाले आ रहे हैं। इसका साधुवाद, आप सच को स्वीकार रहे हैं, ये अच्छी बात है। इंडिया वाले आ रहे हैं, इंडिया की सरकार बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी, आपकी मन की बात से छुटकारा मिलेगा। उसी को सोचकर ये देश उत्साहित है।